हाय गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूट जेली केक की रेसिपी। तो चलिए आइए बनाते हैं फ्रूट जेली केक। तो सबसे पहले हम सारे फ्रूट्स को अच्छे से वॉश कर लेंगे। मैंने फ्रूट्स में लिए हैं दो ऑरेंजेस, एक ड्रैगन फ्रूट, दो कीवी, एक अनार, एक सेब और लिए हैं काले वाले अंगूर और हरे अंगूर। अब हम फ्रूट्स को कट करेंगे। ऑरेंजेस को हम ना इस तरीके से कट कर रहे हैं। ये वाले ऑरेंजेस को कहीं कहीं पर माल्टा भी बोला जाता है। अब हम कीवी का छिलका उतारेंगे। कीवी को हम गोल आकार में काटेंगे इस तरीके से। हम सेब का छिलका उतारेंगे। और हम सेब को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। और अब हम ड्रैगन फ्रूट का छिलका उतारेंगे। ड्रैगन फ्रूट को चार भागों में काटेंगे। और अब हम अनार को छीलेंगे। ये सारे फ्रूट्स कट चुके हैं और साइड में ना हरे वाले अंगूर भी रखे हैं बाउल में। तो अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पर। तो अब बनाएंगे हम जेली सिरप। तो अब हम गैस को ऑन कर देंगे और एक बर्तन में 3.5 कटोरी पानी डालेंगे और 1 कटोरी चीनी डालेंगे। तो अब है बारी मेन इंग्रेडिएंट की, जो है अगर अगर पाउडर। यही हमारे केक को जेली केक बनाएगा। चीनी अच्छे से घुल चुकी है तो अब हम डालेंगे अगर अगर पाउडर। हमने 9 ग्राम अगर अगर पाउडर डाला है। एक उबाल के बाद हम ये सिरप को गैस से उतार देंगे। अगर अगर वाटर थोड़ा ठंडा हो गया है तो अब हम बनाएंगे केक। सबसे पहले हम केक बनाने वाले बर्तन में अगर अगर वाटर डालेंगे और फिर उसके ऊपर फ्रूट्स को डेकोरेट करेंगे। तो कीवी को इस तरीके से लगाने के बाद अब हम साइड में लगाएंगे ऑरेंजेस। यहाँ पे हम लगाएंगे ड्रैगन फ्रूट, अनार के दाने और काला अंगूर। अब हम डालेंगे अगर अगर वाटर और इसी तरीके से हम फ्रूट को डेकोरेट करते जाएंगे और उसके बाद अगर अगर वाटर डालेंगे। और अब हम सेब को लगाएंगे। और अब हम डालेंगे अगर अगर वाटर। केक को हमने अच्छे से सजा दिया है और अब हम करेंगे 30 मिनट वेट। तो 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा केक जेली केक में कन्वर्ट हो गया है। आप देख सकते हैं ये नीचे नहीं गिर रहा है टेढ़ा करने पर भी। और अब हम अच्छे से सेट होने के लिए केक को रखेंगे फ्रिज में 4 घंटे के लिए। और 4 घंटे बाद ये केक बनकर अच्छे से तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से सेट हुआ है। केक को बाहर निकालने के लिए हम चाकू से केक को साइड से छुड़ाएंगे। केक की चारों साइड ना टूथपिक भी लगानी है। अब हम केक को प्लेट में पलटेंगे और हल्के से टैप टैप करेंगे जिससे केक इजीली निकल जाए। तो फ्रूट जेली केक बनकर हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना ट्रांसपेरेंट बना है। फ्रूट
फ्रूट जेली केक बनाना इजी है, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए, अपने फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फूडी आसिकास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।